हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ कंजंक्शंस एंड दिस इज द 11th पार्ट इन दिस सीरीज। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे आपने उन्हें कंबाइन करना है, जो भी वर्ड्स कंजंक्शंस जो कि ब्रैकेट्स में दी हुई हैं उन्हें यूज़ करते हुए। I was late, I missed the lecture. यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है because, तो आप इन्हें किस तरह से ज्वाइन करेंगे? आप लिखेंगे I missed the lecture because I was late. यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सेकेंड सेंटेंस जो है उसे आपने स्टार्टिंग में लिखना है, ओके? I missed the lecture because I was late, यानी कि मैंने लेक्चर मिस कर दिया था क्योंकि मैं लेट था या लेट थी, ओके? आपने सेकेंड सेंटेंस को स्टार्टिंग में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, शी सॉ अ लिजर्ड शी स्क्रीम्ड। यहाँ पर आपने वैन यूज़ करना है, तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे शी स्क्रीम्ड वैन शी सॉ अ लिजर्ड। स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना। वह चिल्लाई थी जब उसने एक लिजर्ड यानी कि एक छिपकली देखी थी। यहाँ पर भी आपने सेकेंड सेंटेंस को स्टार्टिंग में लिखना है क्योंकि आपने इसी तरह से इसकी सेंस बनानी है, ओके? आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज़ रेनिंग वी डिसाइडेड नॉट टू गो। यहाँ पर आपने लिखना है वी डिसाइडेड नॉट टू गो एज़ इट वॉज़ रेनिंग, ओके? हमने नहीं जाने का फ़ैसला लिया क्योंकि बारिश हो रही थी। हमने नहीं जाने का फ़ैसला लिया था क्योंकि बारिश हो रही थी, ओके? इस तरह से आपने सेंटेंस बना लेना है इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन करके। इट वॉज़ स्प्रिंग सीजन, देर वॉज नो फ्लावर इन द गार्डन। यहाँ पर आपने येट यूज़ करना है इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, तो ये सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज स्प्रिंग सीजन येट देर वॉज नो फ्लावर इन द गार्डन। स्प्रिंग सीजन था फिर भी कोई भी गार्डन में कोई भी फ्लावर नहीं था। स्प्रिंग सीजन का मीनिंग होता है बसंत ऋतु, ओके? इसे हम हिंदी में बसंत ऋतु बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी। यहाँ पर आपने बट को यूज़ करना है, तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे ही इज़ रिच बट अनहैप्पी। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है, ओके? नाखुश है। इसे इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टू सेंटेंसेस कौन से हैं जिन्हें आपने ज्वाइन करना है। माय मदर बर्नड हर हैंड शी वाज कुकिंग फूड। तो आपने यहाँ पर व्हाइल को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। आप ऐसे बना सकते हैं माय मदर बर्नड हर हैंड व्हाइल कुकिंग फूड। मेरी मदर ने खाना बनाते हुए अपना हाथ जला लिया था, ओके? आप ऐसे कह सकते हैं मेरी मदर जब खाना बना रही थी तब उनका हाथ जल गया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। आपको लेसन समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन्ट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कॉमेंट्स। थैंक यू।